हेलो एवरीवन, अब दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा देखिए, कैश फ्लो की मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुकी है, तीसरी वीडियो है। अब कुछ एडजस्टमेंट्स हमने कल पिछली वीडियो में सीखी थी, है ना, जो एसेट्स वाली, डेप्रिसिएशन वाली। तो एक दो एडजस्टमेंट्स रह गई हैं, वो देख लो। उसके बाद हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, कैश फ्लो के क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे। हमें डिबेंचर्स दिया हुआ है, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही है, चाहे क्वेश्चन ने बोला है नहीं बोला। डिबेंचर्स आपका लोन है और लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना ही करना है। दिस इज़ योर लायबिलिटी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आपने निकालना है। आपको दो डिबेंचर्स दे रखे हैं पिछले साल के करंट ईयर के, अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, आपको नहीं पता। क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया कि जो इंक्रीज़ हो रहे हैं या डिक्रीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज़ हो रहे हैं मतलब आपने डिबेंचर इशू किए, डिक्रीज़ हो रहे हैं मतलब आपने डिबेंचर्स रिडीम किए। आपको डेट नहीं गिवन, आपने किस दिन इशू किए, किस दिन रिडीम किए, तब आपने क्या करना है, आपने ओपनिंग वाले डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट निकाल लेना है। अगर आपको डेट नहीं गिवन कि किस दिन डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं और रिडीम हो रहे हैं, उस दिन आपने क्या करना है, ओपनिंग वाले डिबेंचर्स पे आपने इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो ओपनिंग डिबेंचर्स आपके कितने हैं, 10 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख, तो 1 लाख आपका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में डेट गिवन है कि आपने डिबेंचर्स जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ईशू हो रहे हैं, ये रिडीम हो रहे हैं, ये क्लोजिंग डेट में हो रहे हैं, क्लोजिंग डेट, अगर आपको क्लोजिंग डेट दी है, क्लोजिंग डेट पे ईशू हो रहे हैं, तो आपने इंटरेस्ट ओपनिंग वाले पे निकालना है। और अगर जो हमारे ईशू हो रहे हैं वो ओपनिंग डेट पे ईशू हो रहे हैं, ओपनिंग डेट पे ईशू हो रहे हैं, तो आपने क्लोजिंग डेट पे, क्लोजिंग वाले पे इंटरेस्ट निकालना है। 15 लाख पे 10,000 इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट निकालेंगे। अगर ओपनिंग डेट में इशू, अगर क्लोजिंग डेट में इशू हो रहे हैं, अगर 2021 को इशू हो रहे हैं, तो आपने ओपनिंग डेट पे इंटरेस्ट निकालना है। और अगर क्लोजिंग डेट में इशू हो रहे हैं, ओपनिंग पे निकालना है। ओपनिंग डेट में इशू हो रहे हैं तो क्लोजिंग में निकालना है, चाहे इशू हो चाहे रिडीम लो, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम आती है जब बीच की कोई डेट दे दी हो, तो बीच की डेट दे दी, समझ लीजिए कि आपके डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने आपने 10 लाख डिबेंचर्स यूज़ किए, 6 महीने आपने 10 लाख डिबेंचर्स यूज़ किए, तो 10 लाख का 10% 6 महीने के लिए, 10 लाख का 10% इंटू 6/12 कितना आ गया, 50,000। फिर आपके पास अब डिबेंचर्स चेंज हो गए, अब डिबेंचर्स कितने हो गए, 15 लाख। अब अगला जो निकालेंगे 6% का इंटरेस्ट, वो 15 लाख का निकालेंगे, 15 लाख का 10% 6 महीने के लिए, ठीक है। अब डिबेंचर्स को इशू या रिडम्पशन करने की डेट अगर आपको दे रखी हो, तो आपने क्या करना है, पहले उस डेट से पहले कितने महीने हैं उतने का इंटरेस्ट, फिर उस डेट के बाद कितने महीने हैं उतने महीने का इंटरेस्ट। तो 10 लाख का 10% 6 महीने के लिए, फिर 15 लाख का 10% आगे के 6 महीने के लिए। 10 लाख का 10% 6 महीने के लिए 50,000 आ गया, 15 लाख का 10% 6 महीने के लिए 75,000 आ गया, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,25,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट का हमने ट्रीटमेंट कर लिया। अब गुडविल, गुडविल बेटा अगर हमारे 2020 से 2021 में बढ़ रही है, अगर गुडविल बढ़ रही है, तो इसका मतलब हमने गुडविल खरीदी है, जिसको हम अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो में लिखेंगे। अगर हमारी गुडविल बढ़ रही है, गुडविल हमारी बढ़ रही है, गुडविल बढ़ रही है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे आउटफ्लो, पैसा हमारा जा रहा है, 50,000 हमारे जा रहे हैं। अगर गुडविल कम हो रही है, 70,000 से 50,000 हो रहे हैं, मतलब गुडविल अमोर्टाइज हो रही है, और गुडविल अगर अमोर्टाइज हो रही है, तो उसको हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में प्लस करेंगे। गुडविल जब अमोर्टाइज होगी, तो उसको हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में प्लस करेंगे, अमोर्टाइज, गुडविल अमोर्टाइज। चलिए, आपकी एडजस्टमेंट सारी की सारी डन हो चुकी हैं। ये मैंने ना आपके साथ, एक सेकेंड, कैश फ्लो, मैं आपके साथ कैश फ्लो का शेयर करती हूँ, एक कैश फ्लो, यस, इसको डाउन, ये जो हमारी N82 अकाउंटेंसी वाली बुक है ना, एक सेकेंड, ये सेव्ड है, N82 अकाउंटेंसी वाली जो बुक है, जो हमारी CBSE की बुक है ना, N82 अकाउंट, CBSE के मतलब TS देवाल सर ने जो बुक निकाली है N82 अकाउंटेंसी, उस बुक से मैं आपको हर चैप्टर की PDF की तैयारी करवा रही हूँ। डिबेंचर की तैयारी करवा चुकी हूँ उस बुक में से,
और NPO की तैयारी करवा चुकी हूँ उस बुक में से। अब कैश फ्लो की तैयारी या NPO अकाउंटेंसी वाले बुक में से देख लीजिए किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसे हम कैश फ्लो की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैश फ्लो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस या मिक्स बेसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट ही लिखा है तो कैश बेसिस पर ही बेस्ड होगा, कितना कैश आ रहा है। इंटरेस्ट पेड, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट पेड को हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेड हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्यों होती है, देखिए मैं आपने देखा होगा मैंने आपको जो नोट्स दिए थे सबसे पहली क्लास में ही लिखवाया था, सबसे पहली क्लास में ही लिखवाया था इंटरेस्ट पेड। आप इंटरेस्ट किसके ऊपर पे करते हो, आप इंटरेस्ट पे करते हो अपनी बॉरोइंग्स पर। कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट पेड, कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट पे। आप इंटरेस्ट किस चीज़ पे करते हो, अपनी बॉरोइंग्स पर, जो आपने डिबेंचर्स इशू किए डिबेंचर्स इशू करके लोगों से लोन लिया है ना, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो इंटरेस्ट पेड आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव, आपको डिविडेंड क्यों मिलता है, आपको डिविडेंड क्यों मिलता है, आपको डिविडेंड इसलिए मिलता है क्योंकि आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। आपने जब किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तब आपने इन्वेस्टमेंट्स की थी, तो डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है क्योंकि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर डिविडेंड मिल रहा है। आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। पेमेंट, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड आपका कुछ नहीं दिया कि आप किस पर्पस से दे रहे हो, आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी या डिविडेंड, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नॉर्मल इनकम टैक्स लिखा है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप फोर में माइनस होता है इनकम टैक्स पेड। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड आप क्यों पे करते हो, डिविडेंड आप पे करते हो जब आप शेयर्स इशू करते हो, मार्केट में शेयर इशू करके शेयर होल्डर्स लोगों से शेयर्स कैपिटल पैसा लेते हो, तो आप उनको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनाते हो, तो आप उनको अपनी कंपनी के प्रॉफिट्स देते हो, तो डिविडेंड पेड क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा कौन सी चीज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो की जाती है, इंटरेस्ट पेड यस शो किया जाता है, कमीशन रिसीव नहीं किया जाता। कमीशन आपको क्यों मिलती है, अपने ऑपरेशन बिजनेस के काम जो आपके रोज़ के लेन देन है बिजनेस के उससे आपको कमीशन मिलता है, जो भी आपके बिजनेस के लेन देन है उससे आपको कमीशन मिलता है, तो कमीशन रिसीव्ड आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है ना, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड, आपने गुड्स बेचे ये तो आपका काम है, गुड्स खरीदना बेचना ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड, कोई गुड्स खरीदना बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो तीनों की दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, कमीशन रिसीव्ड, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट आप क्यों पे करते हो, बिकॉज आपने अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू किए हैं, आपने लोन लिया है इसलिए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट पे करना आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या बोला है, डिविडेंड पेड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पेमेंट क्या होती है, वो भी फाइनेंसिंग होती है। आप डिविडेंड क्यों पे करते हो, क्योंकि आपने शेयर्स इशू किए, तो डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग नहीं है। एसेट खरीदना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। कस्टमर से कैश मिलना, कस्टमर कौन है, आपका बिजनेस ऑपरेशन, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेंट्री खरीदना ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेंट्री बिजनेस से रिलेटेड है, तो आपने जो फिक्स एसेट खरीदी ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब यही है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए एसेट्स को खरीदना और बेचना, इन्वेस्टमेंट्स को खरीदना और बेचना। अच्छा यहाँ देखिए आपको शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो रही है, शेयर इशू कर रहे हैं आप, डिबेंचर्स आपके 1,50,000 से 1 लाख हो रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 से 50,000 हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 40,000 से 50,000 हो रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है मतलब आपको प्रीमियम मिला है। आपको प्रीमियम मिलता कब है, जब आप शेयर्स इशू करते हो, डिबेंचर इशू करते हो, तो आप शेयर इशू कर रहे हो, तो शेयर इशू करने पर आपको 1,00,000 रुपये प्लस प्रीमियम का 10,000, टोटल आपको 1,10,000 रुपये मिल रहे हैं। जब आप शेयर इशू कर रहे हो तो 1,00,000 रुपीज़, 4 लाख से 5 लाख, 1,00,000 रुपीज़ शेयर्स के और 10,000 रुपीज़ आपको प्रीमियम के, टोटल आपको शेयर इशू करने पर कितना पैसा मिल रहा है, 1,10,000। डिबेंचर्स रिडीम, पहले आपके डिबेंचर्स से 1,50,000, अब आपके डिबेंचर्स हो गए 1,00,000,
तो आपने कितने डिबेंचर्स रिडीम किए? 50,000 के। तो ये आपका पैसा आपके हाथ से चला गया, माइनस में आ गया 50,000। उसके बाद नीचे बोला हो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो 18,000। इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, माइनस 18,000। तो 1,10,000 में से 50,000 और 18,000 माइनस कीजिए, 42,000 हो गया। ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो क्वेश्चन ने पूछा, टिक कर दीजिए। अब देखिए एक सेकेंड, इसमें कह रहा है 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 आपका इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें ना आपका मशीनरी अकाउंट बनेगा, एक मिनट देख लेते हैं मशीनरी अकाउंट बना हुआ है इसमें तो, ठीक है नहीं बना तो मैं बना देती हूँ। मशीनरी अकाउंट बना हुआ है तो देखते हैं। चलिए मैंने सॉल्व किया हुआ था, वो पता नहीं PDF कहाँ है, हम देख लेते हैं एक बार। ABC लिमिटेड हैज़ मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब ओपनिंग वैल्यू। 1 अप्रैल को आपकी मशीन थी 8,60,000 की एंड 31 मार्च 2021 को मशीन थी 9,50,000 की। ये ओपनिंग मशीन है, ये क्लोजिंग मशीन है। तो मशीनरी अकाउंट देखिए बनाया होगा हमने, मशीनरी अकाउंट में लिखा टू बैलेंस BD बाय बैलेंस CD। टू बैलेंस BD का मतलब होता है ओपनिंग मशीनरी, ओपनिंग मशीनरी आपकी 8,60,000 और क्लोजिंग मशीनरी आपकी 9,50,000 लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 40,000। इसे हम कहाँ लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। आगे क्वेश्चन कह रहा है इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एक मशीन वॉज सोल्ड फॉर 25,000 विच हैड अ रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ 20,000। साल के शुरू में हमने एक मशीन बेच दी जिसकी वैल्यू 20,000 थी, उसको 25,000 का बेच दिया। वैल्यू 20,000 थी, 25,000 का बेच दिया, तो हमें 5,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। उसकी वैल्यू कितनी थी? रिटर्न ऑन वैल्यू 20,000, बेचा कितने का? 25,000 का, 5,000 का हो गया प्रॉफिट। तो देखिए पहले मशीनरी अकाउंट बना के कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आपको मशीनरी की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दी है और सेल परचेज दी है तो मशीनरी अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू टू बैलेंस BD, क्लोजिंग वैल्यू बाय बैलेंस CD। कितने की बेची थी मशीन हमने? 25,000 बाय बैंक लिख दिया। डेप्रिसिएशन कितना लग रहा था? 40,000 बाय डेप्रिसिएशन लिख दिया। और इस बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था तो प्रॉफिट को डेबिट साइड लिखते हैं, लॉस हो रहा होता तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5,000। अब क्रेडिट साइड का तीनों को प्लस किया, 10,15,000 आ गया। 10,15,000 में से इन दोनों को माइनस कर दिया, 8,60,000 और 5,000 को, हमारे पास आ गया 1,50,000। ये 1,50,000 क्या है? हमने कितने की मशीन खरीदी? टू बैंक अकाउंट 1,50,000। चलिए अब क्वेश्चन, हमने तो मशीनरी अकाउंट बना लिया, अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या है? मशीन बेचने पर पैसा आ रहा है 25,000 और मशीन खरीदने में कितना पैसा जा रहा था? मशीन खरीदने में एक बार देख लूँ, चेक कर लूँ, 1,50,000 मशीन खरीदने में जा रहा है 1,50,000। ये नेगेटिव है और मशीन बेचने 25,000 है, प्लस माइनस किया नेट आंसर आ रहा है 1,25,000 माइनस में, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना था? 5,000, हमें पता ही है, वो तो निकाल लिया था। मशीनरी हमने कितने की खरीदी ड्यूरिंग द ईयर जो निकला था मशीनरी अकाउंट से? टू बैंक अकाउंट 1,50,000। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स लिमिटेड हैज़ बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्स, बैलेंस इन प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, 75,000। एक है 31 मार्च 2020 को, दूसरा 2021 को, ये बैलेंस BD, ये बैलेंस CD। हमने कितना प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड किया, प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया? आपको बताया मैंने टैक्स दो तरीके का होता है, टैक्स मेड, टैक्स पेड। तो ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स दिए और टैक्स मेड दिया है, टैक्स पेड निकालेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाकर। बैलेंस BD है 50,000, बैलेंस CD है 75,000 और टैक्स मेड है 65,000। तो देखिए हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाया बाय बैलेंस BD 50,000। इस पे बैलेंस BD क्रेडिट साइड होता है और जो एसेट्स होती हैं उसके अंदर बैलेंस BD डेबिट साइड लिखा जाता है। प्रोविज़न फॉर टैक्स में बैलेंस BD क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, बाय बैलेंस BD 50,000, टू बैलेंस CD 75,000। हमने टैक्स बनाया कितना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 65,000।
दोनों को प्लस कीजिए, इसमें से 75 माइनस कीजिए, 40,000 आ गया। 40,000 क्या है, हमने कितना टैक्स पे किया। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, टैक्स पेड। ये बेटा दो दो नंबर के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इनमें से कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। लैंड खरीदना बेचना, लैंड क्या एसेट, एसेट खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, ठीक है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। 2500 शेयर्स हमने बेच दिए, वो हमने एज एन इन्वेस्टमेंट हेल्ड किए थे, एज एन इन्वेस्टमेंट हेल्ड किए थे, डेफिनेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने शेयर्स खरीदे थे, किसी कंपनी के बेच दिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसके बाद आगे कह रहा है, हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ खरीदी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बेटा कैश इक्वलेंट्स रहते हैं। मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट की थी तभी आपको लिखवाया था कैश इक्वलेंट्स क्या होते हैं। कैश इक्वलेंट्स वो एसेट्स होती हैं जो हाईली लिक्विड होती है, 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये कैश है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कैश है, कैश है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदना और बेचना कैश है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदी ये कैश है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। थर्ड वाला पॉइंट, इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट भी एसेट होती है, इक्विपमेंट भी एसेट्स होती हैं, तो ये भी आपका इन्वेस्टिंग में ही आएगा। अब देखिए, एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइड एज कैश इक्विवेलेंट। कोई इन्वेस्टमेंट, उसको हम कैश इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन इट हैज़ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड। उसका मैच्योरिटी पीरियड कितने महीने का होना चाहिए, ये गलत है, 3 महीने, 3 महीने और उससे कम, 3 महीने या उससे कम में वो रियलाइज मैच्योर हो जाए। हमारी कोई भी एसेट, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने और उससे कम में, 3 महीने और उससे कम में क्या कहते हैं, रियलाइज हो जाए, उसे हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। किससे पैसा इनफ्लो होगा, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक। जब मैंने आपको क्या बताया था, कैश का मतलब क्या होता है, कैश का मतलब होता है आपके हाथ में पैसा, आपके अकाउंट में पैसा, चाहे आपके हाथ में पैसा चाहे आपके अकाउंट में पैसा है, उससे कोई फ्लो नहीं होगा, नो फ्लो होगा, चाहे बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो चाहे बैंक से पैसा निकाल रहे हो, इन दोनों सिचुएशंस में आपका नो फ्लो होगा। बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाना, बैंक से पैसा निकालना, दोनों सिचुएशंस में नो फ्लो होगा, ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है, हमने वेंडर को डिबेंचर्स दिए। वेंडर क्या होते हैं, मशीन, वेंडर क्या होते हैं, जिनसे मशीन खरीदी, बदले में कैश नहीं दिया, बदले में डिबेंचर्स दे दिए, कैश का कोई लेन देन ही नहीं हो रहा, तो नो फ्लो ऑफ कैश। मशीन खरीदी, बदले में हमने कैश नहीं दिया, बदले में हमने डिबेंचर्स दे दिए, तो नो फ्लो। रिसीव्ड 19,000 फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से 19,000 रुपये मिल रहे हैं, इनफ्लो, पैसा आ रहा है बिजनेस में, इनफ्लो। अगला दिया, डिपॉजिट चेक ऑफ 10,000 टू बैंक, 10,000 के चेक बैंक में जमा करवाए, तो नो फ्लो। बैंक से पैसा निकालना, बैंक में पैसा जमा करना, दोनों में ही नो फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, हमें डिबेंचर्स दिए हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 1,60,000। इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली देते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें टोटल इंटरेस्ट ही निकाल के माइनस करना होता है कैश फ्लो में। इंटरेस्ट हाफ ईयरली देते हैं, मतलब 6 महीने का, फिर 6 महीने का हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है, टोटल इंटरेस्ट ही माइनस करना है। अच्छा, जो डिबेंचर्स जो चेंज हो रहे हैं ना, 2 लाख से 1,60,000 हो रहे हैं, ये डिबेंचर्स हमने रिडीम किए, किस दिन किए, 30 सितंबर को किए, तो इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे। देखिए, 2 लाख का कितना परसेंट, 12%, 2 लाख का 12% 6 महीने के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 2 लाख का 12% 6 महीने के लिए, 2 लाख का 12% होगा 24,000, 6 महीने के लिए होगा 12,000, ठीक है जी, 12,000। उसके बाद हमारे डिबेंचर्स हो गए 1,60,000 का 12% इंटू 6 महीने के लिए, एक में देखो मैंने करके दिखाया होगा, इंटरेस्ट एक बार दिखा देती हूँ आपको कैसे निकलना है। इसमें 1,60,000 का 12% इंटू 6 महीने के लिए देख लेते हैं निकाल के कितना बनेगा। 1,60,000 का
कल से ब्लॉक कर दिया, 200 से 200 कट गई, 9600। तो 1,60,000 का 12% 6 महीने के लिए 9600। पहले हमने 2 लाख का 12% 6 महीने के लिए निकाला, 12,000 आ गया। फिर 1,60,000 का 12% 6 महीने के लिए निकाला, 9600 आ गया। टोटल आ गया 21,600 का इंटरेस्ट, 21,600 का इंटरेस्ट आ गया। अब कह रहा है हाउ मच अमाउंट, ये 21,600 का इंटरेस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कितना अमाउंट लिखा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। 21,600 का तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, और डिबेंचर्स रिडीम्ड हो रहे हैं हमारे 40,000। जब डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं तभी पैसा हमारे हाथ से जा रहा है माइनस में, और जब इंटरेस्ट दे रहे हैं 21,600 का तब भी हमारे हाथ से कैश जा रहा है। तो टोटल कैश हमारे हाथ से जा रहा है 61,600, कैश का आउटफ्लो हो रहा है 61,600। ये नेक्स्ट हमने शेयर्स हमारे 3 लाख से 4 लाख हो रहे हैं। ये दो दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, दो नंबर में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़े से दो नंबर वाले क्वेश्चन की हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। शेयर्स जो है हमारे 3 लाख से 4 लाख हो रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 से 1 लाख हो रहे हैं, इक्विटी शेयर्स हमने 1 लाख के इशू किए, इक्विटी शेयर्स हमारे 3 लाख से 4 लाख हो गए, इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए, प्रेफरेंस शेयर्स हमारे 1,50,000 से 1 लाख हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम कर दिए, प्रेफरेंस शेयर्स हमने रिडीम कर दिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5,000 से 15,000 हो गया, 10,000 बढ़ रहा है। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है ये शेयर कैपिटल में ही प्लस हो जाएगा, तो शेयर्स इशू करने पर हमें 1,10,000 रुपये मिल रहे हैं। डिबेंचर्स जो थे हमारे 3 लाख से 4 लाख हो गए, हमने इशू कब किए, 31 मार्च 2021 को, तो इंटरेस्ट जो है ओपनिंग वाले पे लगेगा, 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 3 लाख का 10% 30,000 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी हमने माइनस करना होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं हम एट द एंड ऑफ द ईयर, तो इंटरेस्ट लगेगा ओपनिंग वाले पे। प्रपोज डिविडेंड, अब देखिए प्रपोज डिविडेंड दो होते हैं, पिछले साल का और करंट ईयर का, तो हमने पिछले साल वाला लेना होता है, पिछले साल वाला प्रपोज डिविडेंड लेना होता है। इक्विटी शेयर्स पे कितना डिविडेंड है 30,000, प्रेफरेंस शेयर्स पे कितना डिविडेंड है 15,000। चलिए हम निकाल देते हैं इसमें, देखिए जो शेयर्स इशू हो रहे हैं 3 लाख से 4 लाख हो रहे थे, 1 लाख तो शेयर इशू हो रहे हैं, और प्रीमियम पे हो रहे हैं क्योंकि प्रीमियम 5 लाख से 10 लाख हो रहा था, तो प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर 1,10,000। डिबेंचर्स रिडीम हो रहे थे, कम हो रहे हैं, ठीक है जी, माइनस में आ गए। डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं, एक सेकेंड, यस डिबेंचर्स भी बढ़ रहे हैं, 3 लाख से 4 लाख हो रहे हैं, डिबेंचर्स भी बढ़ रहे हैं, प्लस में आ गए। प्रेफरेंस शेयर्स कम हो रहे थे, 1,50,000 से 1 लाख हो रहे हैं, ये माइनस में आ गए। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कैसे निकाला था, डिबेंचर्स हमारे लास्ट डेट पे इशू हो रहे हैं, तो हमने जो इंटरेस्ट निकालना ओपनिंग वाले पे निकालना है, ओपनिंग डिबेंचर्स 3 लाख के, 3 लाख का 10% 30,000 डिबेंचर इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर दिया। उसके बाद जो प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड था, ये क्या होगा, सो जो प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड था हमारा, दो डिविडेंड दे रखे थे, ओपनिंग और क्लोज, ओपनिंग और क्लोजिंग, हमने क्लोजिंग वाला डिविडेंड, पिछले साल वाला डिविडेंड इस साल पे करते हैं हम, तो हमने वो लेना है। प्रेफरेंस शेयर का भी पिछले साल का डिविडेंड लेना है हमने, इन सबको प्लस माइनस किया, आंसर प्लस में आ रहा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गई हमारी प्लस में। अभी हमारे और भी ये दो नंबर के और क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर चुकी हूँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, इसके इनफ्लो और आउटफ्लो बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखनी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये की वर्ड लिखना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर आ गया इसका मतलब होता है प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, जो आपकी प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल दो, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, रॉयल्टी देना, कमीशन देना, रॉयल्टी मिलना, कमीशन मिलना, रॉयल्टी मिलना, सब चीज़ें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स को खरीदना बेचना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स को खरीदना बेचना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं कि आपकी ऑनर कैपिटल, आपकी कैपिटल और बोरिंग में आपकी ऑनर कैपिटल, आपकी कैपिटल या तो शेयर्स, आपकी कैपिटल इक्विटी भी हो सकती है, प्रेफरेंस भी हो सकती है, आपकी कैपिटल और बोरिंग्स के
साइज और कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है, साइज और कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है। अच्छा एग्जांपल दीजिए, ऐसी एक्टिविटी चाहिए जो हर तरीके के बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग होती है, डिविडेंड देना, डिविडेंड कोई भी तरीके का बिजनेस हो, डिविडेंड वो तभी देता है जब वो शेयर इशू करता है, इंटरेस्ट वो ठीक है ना, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चंस मैं आपका शेयर कर चुकी, इसको जरा पढ़ लीजिएगा प्लीज़। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ जो होती है उसको हम क्या करते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग गुडविल रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्यों होती है, क्योंकि हमने गुडविल खरीदी थी, उस गुडविल को यूज़ कर रहे हैं ठीक है ना अपने बिजनेस ऑपरेशंस में। तो जो गुडविल अगर कम हो रही है, गुडविल अगर कम हो रही है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, क्योंकि आप गुडविल को यूज़ करते हो ऑपरेशंस में। लेकिन अगर गुडविल बढ़ती है तो उसका मतलब आप गुडविल खरीद रहे हो, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिलता क्यों है आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कैश इक्विवेलेंट हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने या उससे कम होता है। एग्जाम्पल्स बता चुकी हूँ, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स ठीक है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक ड्राफ्ट, ये सब आपके कैश इक्विवेलेंट्स हैं। एक इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट कब होती है, जब उसका मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स या 3 मंथ से कम होता है। अच्छा अब इसे बताओ, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर, एंडोर्स बिल रिसीवेबल को क्रेडिटर को दे दिया, क्रेडिटर कौन है जिसको आपने पैसा देना है और बिल रिसीवेबल से आपको पैसा मिलना था, अब आप क्रेडिटर को कैश नहीं दे रहे अपना बिल दे रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपका कैश आ रहा है या जा रहा, नहीं आ रहा जा रहा ना, जब आप अपना बिल अपने क्रेडिटर को देते हो तो ऐसा करने से नो फ्लो होता है। ओल्ड व्हीकल रिटर्न ऑफ, ओल्ड व्हीकल रिटर्न ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन लग रहा है, जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं किसी एसेट पर तो हमारे हाथ से कैश नहीं जाता ठीक है, तो ओल्ड व्हीकल रिटर्न ऑफ, पुरानी व्हीकल की रिटर्न ऑफ हो गई तो ये क्या है, नो फ्लो। व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको हमने करना है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपके अकाउंट में सिर्फ 10,000 रुपये है, आपने चेक इशू कर दिया 15,000 का और 15,000 का चेक क्लियर हो गया, तो 5,000 बैंक ने आपको एक तरीके से फाइनेंस कर दिया। अगर आपका वो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है मतलब आपको बैंक से लोन मिल रहा है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में वो प्लस होता है, अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है मतलब आपको बैंक से लोन मिल रहा है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होता है, लेकिन आपको जो लोन मिला था वो पैसा वापस कर रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कैश इक्विवेलेंट ही होता है, नो फ्लो। अच्छा फुली पेड बोनस शेयर्स, जब आप बोनस शेयर्स देते हो अपने शेयर होल्डर्स को तो आप फ्री में देते हो, उनसे बदले में कुछ नहीं लेते, जब आप अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देते हो तो उनसे बदले में कुछ नहीं लेते हो, तो ऐसा करने से नो फ्लो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाना, बैंक से पैसा निकालना, नो फ्लो। कैश डिपॉजिट इन बैंक, नो फ्लो। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड पेबल नहीं है, प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड मतलब डिविडेंड प्रपोज किया है कि हम पे करेंगे, हमने पे नहीं किया अभी, डिविडेंड प्रपोज किया है ठीक है, दैट वी विल पे, अप्रूव किया है, डिक्लेयर किया है, अभी पे नहीं किया, तो प्रपोज डिविडेंड से भी नो फ्लो होता है। एक सेकेंड, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो, तो बाकी मैं आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ ठीक है।